स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की जो वीडियो है पर्टिकुलर अप्रेंटिस को लेकर है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर की अप्रेंटिस चाहिए तो आपके पास एक मौका है। पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा, अप्लाई कैसे करना है, डेट क्या है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड के बच्चों के लिए मौका है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो आप देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको आईटीआई से जुड़ी समय समय पर सभी जानकारी मिलती है, क्लासेज मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन हो अप्रेंटिस की या फिर गवर्नमेंट जॉब की, सब कुछ आपको एक ही चैनल पर मिलता रहता है। तो आप भी जुड़ जाइए, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई किए हुए हैं तो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िए। बाकी आईटीआई स्टूडेंट हैं, आईटीआई एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई के मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहाँ पर आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी, नेवी की बात की जाए तो नेवी का ये जो अप्रेंटिसशिप है वहीं के लिए है, मतलब उस सेक्टर का, उस विभाग का कह लीजिए। नेवी में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये जो सत्र है 2024-25, यानी ये जो अप्रेंटिसशिप है ये 2024 में शुरू होगी, उसका आवेदन अभी से शुरू हो गया है। और जो लोकेशन है विशाखापट्टनम होने वाला है। उसके बाद बात करें आईटीआई बच्चों के लिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है आईटीआई होना चाहिए। और ऑल इंडिया, पूरे भारत के किसी भी कोने से आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्टेट के लिए पर्टिकुलर नहीं है। पूरे भारत के बच्चे अगर आईटीआई किए हैं किसी भी कोने से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विशाखापट्टनम लोकेशन होने वाला है। 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी आपकी। 2024 से 25 का सत्र चलेगा। और अप्रेंटिस जो जनरली रूल होता है वही यहाँ पर भी लागू होगा, क्योंकि भारत सरकार का अपना अप्रेंटिस का एक रूल है। लगभग स्टाइपेंड का भी वही मिला जुला हिसाब है जो मंथली मिलना है। बाकी ट्रेड की बात कर लें कि इस ट्रेड में कितनी सीट है, तो क्लियरली यहाँ पर चीज़ें मेंशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की सबसे ज़्यादा सीट मेरे ख्याल से यहाँ पर है 36, उसके बाद फिटर है 33, शीट मेटल वर्कर 33, कारपेंटर 27, डीजल मैकेनिक डीजल 23, पाइप फिटर, बहुत से ऐसे ट्रेड हैं जिन बच्चों को अप्रेंटिस का मौका कम ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है बहुत से ऐसे ट्रेड हैं जैसे पाइप फिटर हैं, इलेक्ट्रीशियन के 21 सीट है, पेंटर जनरल 16, आरएसी मैकेनिक 15, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक 15, मशीनिस्ट की 12 हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 10 सीट हैं, मैकेनिक टूल एंड मेंटेनेंस आपकी 6 सीट है, फाउंड्री मैन की 5 सीट है। टोटल मिलाकर 275, 275 सीटों पर अप्रेंटिस होने वाली है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी जो रिजर्वेशन या आरक्षण है वो लागू रहेगा, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विस मैन जो बच्चे होते हैं, मतलब फोर्स वगैरह से जो रिलेट करते हैं, तो ये सब चीज़ें सब कुछ रहेगा नॉर्मल जैसे आरक्षण होता है। आगे हम लोग बात करने वाले क्वालिफिकेशन का, तो क्लियरली मेंशन है कि अगर आप आईटीआई हैं तो आईटीआई एनसीबीटी से हो या एससीबीटी से हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आईटीआई में आपका परसेंटेज 65 होना चाहिए, 65 या उससे अधिक होना चाहिए। इसी प्रकार से जो 10th आपका होता है हाई स्कूल, उसमें भी आपका परसेंटेज 50 या उसके एबव होना चाहिए। अगर आपका हाई स्कूल में 50% से कम है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो आपके अंदर, यानी आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, एज की बात कर लें, मिनिमम एज यहाँ पर 14 वर्ष लिखा हुआ है। फिर नीचे लिखा हुआ है कि अगर 2 मई, क्लियरली थोड़ा कुछ बच्चों कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मैं कैसे देखूं कि मेरी एज कितनी हुई है, तो इन्होंने आसान कर दिया है। कह रहे हैं भाई अगर आप 2 मई 2010 को या उसके पहले पैदा हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान तरीका है आपका यहाँ पर सोचना है कि आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो 2 मई 2010 या उसके बाद आप जो है पैदा हुए हैं तब नहीं कर पाएंगे। 2 मई या 2 मई 2010 या उसके पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो कर सकते हैं। सब मिलाकर 14 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम की बात हम लोग आगे करेंगे जब कहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर ट्रेनिंग की बात किया जाए तो अगर आप पहले से ही अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर कहीं से किए हुए हैं तब आप अप्रेंटिस यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। और सेम ट्रेड से अगर अलग ट्रेड से दोबारा अप्रेंटिस करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन सेम ट्रेड से अगर आपने पहले कभी कर रखा है, किसी भी जगह से अप्रेंटिस कर रखा है जो भारत सरकार के पोर्टल पर आप रजिस्टर्ड हुए होंगे, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। बाकी रिजर्वेशन का सिस्टम वही है जो कुछ भी नॉर्मल जगहों पर होता है, तो उसमें मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। अप्लाई कैसे करना है, सबसे महत्वपूर्ण कि भाई अप्रेंटिसशिप इंडिया जो भारत सरकार की एक वेबसाइट है apprenticeshipindia.gov.in, इस पर आपको जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बहुत से बच्चे पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखे होंगे, तो जो लोग पहले से कर रखे हैं रजिस्ट्रेशन उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर करिएगा। थोड़ा समय यहाँ पर आपको ले चलता हूँ रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट पर। जो आपकी वेबसाइट है ये है अप्रेंटिसशिप, यहाँ पर देख रहे होंगे apprenticeshipindia.gov.in। अगर नए हैं तो यहाँ राइट साइड में कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, एज ए कैंडिडेट आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होती है जो आपको पहले इकट्ठा कर लेना है, जैसे कि आपका
आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल की प्राप्तांक, पूर्णांक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। शुरुआत ही होती है आपकी ईमेल आईडी से, उसके बाद आपका फॉर्म आगे बढ़ता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आप अपना प्रोफाइल लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन होता है, जिसमें से आप कंपनी सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पर आपको उस कंपनी का नाम सर्च करना होता है जहाँ आप अप्रेंटिस जो है अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्या सर्च करोगे? आप सर्च करोगे नवाल, यहाँ पर जो लिखा हुआ था ना, मैं शुरू से ले चलता हूँ, नवाल डैकवाड डॉकयार्ड, डैकवाड नहीं है, ठीक है, नवल या नवाल जो भी कहिए, डॉकयार्ड, ये चीज़ आप टाइप करोगे तो वहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप की जो कंपनी है वो दिखाने लगेगी। तो यही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए अप्रेंटिसशिप इंडिया पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें नीचे की तरफ देखिए बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस। ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि राइट साइड में जाना है, रजिस्टर्ड वगैरह कर लेना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके बाद अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद जब आप लॉगिन कर लो और अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लोगे उसके बाद क्या करना होगा, आपको जाना होगा मेन्यू में और सर्च करना होगा नवाल डॉकयार्ड, ठीक है। नवाल डॉकयार्ड जैसे आप टाइप करोगे तो वहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से ट्रेड में अप्रेंटिस अवेलेबल है। तो आपको अपने ट्रेड के सामने जाना होगा और अप्लाई वाले बटन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, आपको अपने ट्रेड के सामने जाना होगा जिस ट्रेड में से आप आईटीआई हैं, वहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अप्लाई कर देना होगा। आप अप्लाई करने के बाद अपना प्रिंटआउट ले लेंगे कंप्लीट प्रोफाइल का, कौन सी प्रोफाइल का, ये जो आप अप्रेंटिसशिप अब अपनी प्रोफाइल बनाए हैं उस प्रोफाइल का प्रिंटआउट लेंगे। इस वेबसाइट पर आपकी प्रोफाइल होगी जिसमें आपका फोटो होगा, सारी डिटेल होगी, उसका प्रिंटआउट ले लेना है। उसके बाद हॉल टिकट होता है जो एडमिट कार्ड, उसका 2 प्रिंटआउट लेना। तो ये कौन सा हॉल टिकट, इसी पीडीएफ में नीचे दिया गया है, एनेक्जर वन नीचे दिया गया है। इसमें क्या करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद प्रिंटआउट लेकर भेजना है, फिजिकल कॉपी एड्रेस पर भेजना है, ठीक है। और भेजते समय क्या क्या चीज़ें लगेगा, सबसे पहले तो आपका जो प्रोफाइल है अप्रेंटिसशिप इंडिया वेबसाइट पर, उस प्रोफाइल का प्रिंटआउट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर हॉल टिकट एडमिट कार्ड का नीचे फॉर्मेट दिया गया है, उसका प्रिंटआउट लेना है, उसको अच्छे से भर लेना है, फोटो वगैरह चिपका लेना है, उसको भी भेजना है, ठीक है। कहाँ भेजना है, यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, द ऑफिसर इंचार्ज फॉर अप्रेंटिसशिप नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिसेस स्कूल, ये पूरा एड्रेस जो है विशाखापट्टनम का पिन कोड सहित आंध्र प्रदेश बाई पोस्ट, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। और जो लिफाफा होगा उसके ऊपर आपको ये भी लिखना होगा ट्रेड का नाम, कि किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रेड का नाम लिखना होगा। अब लिफाफा जिसमें भेजेंगे ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं आप कॉर्नर पर, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट आपका जो ऑफलाइन ये आवेदन है 1 जनवरी 2024 तक उनके पास पहुँच जाना चाहिए, यानी आपके पास समय अच्छा खासा है, 1 जनवरी 2024 तक वो इंतजार करेंगे आपके चिट्ठी और संदेश का। तो यानी आप इसको चिट्ठी जो भेजना है भेज सकते हैं आप 1 जनवरी 2024 तक। शॉर्ट लिस्टिंग की बात होगी, भाई सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन में रिटर्न एग्जाम होगा, उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट वगैरह पहले चेक किए जाएंगे जो आप यहाँ पर भेजोगे। क्या क्या भेजना है अभी मैं दोबारा से आपको नीचे बताऊंगा, लिस्ट दी गई है। तो आप जब भेजोगे डॉक्यूमेंट सब आपका चेक किया जाएगा, आपका फॉर्म वगैरह सब सही होगा, तब आपको रिटर्न के लिए कॉल लेटर आपका आएगा, कॉल लेटर आपका आएगा रिटर्न एग्जाम के लिए। और इसमें शॉर्ट लिस्टिंग के लिए तरीका क्या है, यहाँ पर मेरिट बनाएंगे, ये हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसका 70% और आईटीआई की जो मार्कशीट है उसका 30%, यानी जो नंबर आप पाएँ हाई स्कूल में उसका 70% और आईटीआई का 30%, उसको जोड़कर एक मेरिट बनाएंगे और उसी बेसिस पर कॉल लेटर भेजेंगे, यानी एक सीट पर 5 बच्चों को बुलाएंगे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, ट्रेड, हर ट्रेड के लिए। तो ये हो गया तरीका कि भाई आपका कॉल लेटर आएगा कि नहीं आएगा, वो बेसिस आपके इस पे हाई स्कूल के नंबर और आईटीआई के नंबर पर डिपेंड करता है। रिटर्न एग्जाम होगा आपका, ओएमआर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, पेपर पेन पर ये होगा, ओएमआर शीट पर गोला करने वाला जो होता है एबीसीडी, जिसमें 20 नंबर मैथ के रहेंगे, उसके बाद जनरल साइंस के 20 नंबर और जनरल नॉलेज के 10 नंबर होंगे, और इन इंग्लिश लैंग्वेज ईच क्वेश्चन कैरिंग 1.5 मार्क वुड बी कंडक्टेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का होगा, और ये वहीं पर होगा, ठीक है, इनका जो कैंपस है वहीं पर ये एग्ज़ाम होगा। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है अगर गलत आंसर देते हैं तो। यानी ऐसे में क्या होगा, आपको 100% पूरा पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि सारा क्वेश्चन कर दो भाई, नंबर तो कटना है नहीं, है ना। उसके बाद जब रिटर्न में आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपकी एक मेरिट बनेगी रिटर्न की,
रिटेन में जब मेरिट बन जाएगी तो उस पर फिर दोबारा बुलाया जाएगा, एक सीट पर दो बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक इंटरव्यू होगा जिसमें थोड़ा बहुत आपका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होगा, प्लस आपसे थोड़े बहुत ट्रेड से रिलेटेड सवाल भी पूछे जा सकते हैं। उस प्रकार का एक ओरल टेस्ट कह लीजिए, इंटरव्यू भी होगा और उसके बाद आपका फाइनल होगा सेलेक्शन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चाहिए? हाई स्कूल 10वीं का डिटेल चाहिए होगा, मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी किसी कैटेगरी से हैं तो OBC SC वगैरह हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकली अगर आप किसी प्रकार से हैंडीकैप्ड हैं PWD कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई आर्म फोर्स या कोई आपने कैटेगरी का फ़ायदा लिया है एक सर्विस मैन का तो भी आपको देना पड़ेगा। NCC सर्टिफिकेट या है तो दे सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह का अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो ये सब आपको देना पड़ेगा। अगर आपने अप्लाई इसमें किया, जिस चीज़ को आपने इसमें अप्लाई नहीं किया वो नहीं देना पड़ेगा। ओरल टेस्ट अगर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो ओरल टेस्ट में आपकी टेक्निकल स्किल्स यानी आपके ट्रेड से रिलेटेड जो है सवाल पूछे जाएंगे। जनरली कहा जाता है फिटर से हैं, इलेक्ट्रिशियन से हैं, तो आपकी ट्रेड से थ्योरी से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। फाइनल मेरिट तैयार हो जाएगी रिटेन, जिसमें रिटेन का देखा जाएगा प्लस इंटरव्यू के नंबर को जोड़कर, तब फाइनली आपकी एक मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें रिटेन एग्जामिनेशन कब होगा, तो रिटेन एग्जामिनेशन आपका होगा 28 फरवरी 2024 को, और रिजल्ट कब आएगा आपका, तो रिजल्ट आएगा 2 मार्च 2024 को। उसके बाद यहाँ पर है इंटरव्यू की डेट भी पहले से दिया हुआ है कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इन तीनों ट्रेड के बच्चों को 5 मार्च को बुलाया जाएगा, पेंटर, वेल्डर, कारपेंटर, शीट मेटल को 6 मार्च को बुलाया जाएगा, फिटर ये जो है मतलब आप पढ़ लीजिएगा तीन ट्रेड हैं ये 7 मार्च को हो गई, फाउंड्री मैन, मैकेनिक टूल वगैरह जो है 8 मार्च, यानी डेट भी पहले से दिया हुआ है किस दिन आपका इंटरव्यू होगा। रिजल्ट आएगा सभी के इंटरव्यू का रिजल्ट 14 मार्च को आएगा, उसके बाद आपको मेडिकल का जो डेट है वो 16 मार्च को दिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट वगैरह शायद ये कराएंगे। ठीक है, स्टाइपेंड की बात किया जाए तो जो 1 वर्ष वाली ITI है उनको 7700 रुपये पर मंथ मिलेगा, और जो 2 वर्ष वाली ITI है उनको 8050 रुपये मिलेगा। यानी आपकी ITI 1 वर्ष की थी तब तो 7700 रुपये मिलेगा पर मंथ, और आपकी 2 वर्ष वाली ITI है तो 8050 रुपये। ये अप्रेंटिस का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही है, बाकी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अगर होगा कोई बदलाव तो उस समय के अकॉर्डिंग होगा। आपको कोई खर्चा अलग से नहीं दिया जाएगा आने जाने का। ठीक है, बाकी जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पर शुरू में 1-2 दिन जो भी आपको रुकने वगैरह का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के लिए अगर आपको बुलाया जाता है तो जो सेकेंड क्लास का टिकट होता है रेलवे का, आपके जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है और जहाँ से इंटरव्यू होने वाला है वहाँ पर शायद ये प्रोवाइड करेंगे बैक टू देयर होम, ओनली फॉर दोज जो इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे उनको सिर्फ प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है। हॉस्टल फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल रहेगी ट्रेनिंग के दौरान, और इसमें जो पहले जाएगा पहले आओ पहले पाओ वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, और जो बाहर के बच्चे होंगे जो वहाँ के लोकल होंगे वहाँ के लिए तो मेरे ख्याल से नहीं है, लिमिटेड अवेलेबल इन हॉस्टल फॉर नॉन लोकल अप्रेंटिसेस, यानी जो वहाँ से बाहर के अप्रेंटिस है कोई दूसरे प्रदेश से दूसरी जगह से जा रहा है, मेल कैंडिडेट की सिर्फ बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये हॉस्टल फैसिलिटी देने वाला है, लेकिन उसमें खाने का जो खर्च है वो आपको अपना उठाना पड़ेगा, सिर्फ रहने का जो है वहाँ पर अवेलेबल होने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें थी, उसके बाद नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेनिंग कब से शुरू होगी, तो आपकी अप्रेंटिस 2 मई 2024 से शुरू होने वाली। ठीक है, 2 मई 2024 से आपकी अप्रेंटिस शुरू होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद और आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये देख रहे होंगे आप हॉल टिकट, ये हॉल टिकट जो है मैंने आपको बताया था इसकी 2 कॉपी आपको निकाल लेना है, इसका 2 कॉपी निकालना है, टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, तो ये ऊपर का जो कॉलम है ये आपको नहीं फिलअप करना है, ये नीचे के कॉलम आपको अपने यहाँ पर अपने हाथों से पेन से कैपिटल लेटर में लिखना है, यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना है, बहुत ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, प्लस इसके ऊपर आपको अपना साइन भी करके अटेस्ट करना है किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में पिता का नाम, घर का एड्रेस, ईमेल आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आइडेंटिफिकेशन, शरीर पर कोई निशान है तो वो, और अपना सिग्नेचर करिए, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लगाइए, और इस चीज़ का 2 कॉपी बनाकर ठीक है आपको भेजना है डॉक्यूमेंट के लिफाफे के साथ। ठीक है, उसके बाद ये चेकलिस्ट है कि क्या क्या आपको भेजना है, तो क्या क्या भेजना है चलिए देख लीजिए। सबसे पहले इस लिस्ट को भेजना है, चेक ऑफ दिस लिस्ट, ठीक है, इसमें आपको यस नो लिखना है, जो चीज़ आप अटैच कर रहे हो यस नो, यस नो, जो चीज़ कर रहे हो यस करना होगा, जो नहीं लगा रहे उसको नो करना होगा।
कंप्लीट अप्रेंटिस प्रोफाइल जो मैंने कहा था, अप्रेंटिस इंडिया की जो वेबसाइट पर जो आपकी प्रोफाइल बनेगी, यहाँ पर यहाँ वाली प्रोफाइल आपको प्रिंट करके लगाना है। तो उसको लगाने के बाद यहाँ यस करिए, फिर हाई स्कूल की मार्कशीट लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, उस पर नीचे अपना साइन कर दीजिएगा, यस हो जाएगा। फिर आईटीआई की मार्कशीट लगाना है, किसी कैटेगरी से है ओबीसी एससी एसटी तो उसका लगाना होगा सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अप्लाई मतलब हैं तो उसका आपको लगाना होगा प्रूफ। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो लिख दीजिएगा, नहीं लगा रहे हैं तो नो लिख दीजिएगा। अगर आप फोर्स बैकग्राउंड से हैं, आपका कोई सैनिक वगैरह है, उस पर डिपेंडेंट है आप, या कोई इस कोटे से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो नो कर दीजिएगा। उसके अलावा है कि अगर आपके कोई पेरेंट वगैरह आपके जो है किसी क्या है ऑफिस फॉर चिल्ड्रेन आर्म्ड फोर्सेस वगैरह में काम कर रहे हैं, यानी सैन्य सेवा वगैरह में काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको देना होगा, नहीं है तो नो कर देंगे। आधार कार्ड लगाएंगे, यहाँ पर यस लिखेंगे, उसकी फोटोकॉपी लगाएंगे आधार कार्ड की, उस पर अपना साइन कर दीजिएगा। उसके बाद लिफाफा आपको देना है जिस पर अपना एड्रेस पहले से ही लिख देना है आपको, 10 रुपये का टिकट लगा के देना है। बाद में क्या होगा, इसी में आपका हॉल टिकट ये लोग भेजेंगे आपको, ठीक है? तो वो भी आपको इसी में लगा के एक लिफाफा एक्स्ट्रा लिफाफे के अंदर भेजना है। और जो हॉल टिकट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पर, इसकी हॉल टिकट की 2 कॉपी देखिए नीचे लिखा हुआ है, 2 हॉल टिकट, यानी दोनों को हाथ से भर के, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने हाथ से भरा फोटो किया उसको फोटो कॉपी करें, नहीं, 2 प्रिंटआउट निकालेंगे, दोनों पर हाथ से भरेंगे, फोटो चिपकाएंगे और रिसेप्शन करने के बाद आपको भेज देना है, ठीक है? एड्रेस ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको बता दिया था, नहीं देखें वीडियो को वापस कर लीजिएगा। प्लस ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसे पीडीएफ मैं आप तक शेयर कर दूंगा, जिसे आप आसानी से समझ पाओ। बाकी ये जो नीचे दिया हुआ है ये आपको नहीं भरना है, ये ऑफिस द्वारा भरा जाएगा, जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो लोग इसको नीचे भरेंगे, आपको नहीं भरना, आपको सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा भरना है, लेकिन इस चीज़ का प्रिंटआउट जरूर लिफाफे के अंदर भेजना है। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे, अगर कोई डाउट रह गया हो तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में ज़्यादा समय लग गया, मैंने एक एक चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।